हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बन सकते हैं पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस का एजेंट और कर सकते हैं अच्छी खासी कमाई। तो दोस्तों, सबसे पहले आना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जैसे ही आप वहां पे आओगे तो आपको मिलेगा एक एजेंट बनने का लिंक। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्ट ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां से आप पॉलिसी बाजार के पार्टनर या एजेंट बन के काम कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे काम करने के लिए आपको पास होना चाहिए एक तो आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक बैंक पासबुक या चेकबुक, एक 10th किया मतलब मिनिमम 10th एजुकेशन सर्टिफिकेट, और एक आपके पास होना चाहिए फोटो। और आप किसी दूसरी कंपनी में एजेंट नहीं होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एजेंट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एजेंट बनने के प्रोसेस को। इस पे क्लिक करने के बाद में, लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा साइन अप यूज योर मोबाइल नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भी डाल देते हैं। आपको भी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे एजेंट बनने का। उसके बाद में करना है आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करोगे आपके मोबाइल पे आएगा एक 4 डिजिट का ओटीपी। 4 डिजिट का ओटीपी आपके मोबाइल पे यहाँ पे आ जाएगा। हम करते हैं वेट तब तक। दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद में करना है आपको वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डालना है आपका नाम। आपका नाम एज पर डॉक्यूमेंट जो भी आपका नाम पैन कार्ड में है, आपको वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में डालनी है आपको अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। अभी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद में डालना है आपको अपना पिन कोड, एरिया पिन कोड जहाँ पे आप रहते हो, आपको वो पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में डालनी है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है एज पर डॉक्यूमेंट वाली आपको यहाँ पे डालनी है। डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये डालने के बाद में आपको करना है यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन ऐसे से पढ़ लेनी है। उसके बाद में ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। तब तक आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे टर्म एंड कंडीशन को, ये आगे भी नहीं जाएगा। कल ओपन करने के बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोसीड हो जाने वाला है। ये आ गया अपना, यहाँ पे ओपन हो गया है। उसके बाद में बोल रहा भाई अपना जो पैन कार्ड डिटेल है आपको यहाँ पे वो डाल देनी है। आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है और कर देना है वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक। इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप का पैन कार्ड आपको यहाँ पे वो डाल देना है। उसके बाद में वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में ये बोलेगा भाई आपको पैन कार्ड का पीडीएफ अपलोड करनी है, इसके अंदर पार्टनर का फोटो अपलोड करना है, और हाईएस्ट एजुकेशन आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, वो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मैं भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ गया योर डिटेल आर अपडेटेड सक्सेसफुली। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे सारा सारा हो गया कंप्लीट। अभी हमारे डॉक्यूमेंट रहे अंडर वेरिफिकेशन। जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे और सारा सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सेल नाउ हुआ। तब तक हमारे पास सेल नाउ का ऑप्शन नहीं आता तब तक हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सेल नाउ का ऑप्शन आने के बाद में ही हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके अपने आरएम का नंबर ले सकते हो और वहां से सारी की सारी अपनी जो डिटेल है वो अच्छे से चेक करवा सकते हो और वेरीफाई अपने डॉक्यूमेंट को करवा सकते हो। अपने आरएम के पास ही कॉल करके आप अपने पे आउट या कमीशन लिस्ट भी पता कर सकते हो, भाई किस व्हीकल पे इंश्योरेंस करने पे कितना कमीशन हमारे को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप यहाँ पे बन सकते हो एजेंट और अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम दोस्तों जल्दी ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपको एक बार फिर से बताएंगे कि कैसे हम इस पे पॉलिसी इश्यू कर सकते हैं और क्या क्या हमारे को बेनिफिट मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।